बेशक वहाँ वो माननीय उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस साहब मठ में देखने गए, मठ दर्शन करने गए, गोरखपुर भी गए, मुख्यमंत्री जी ने स्वागत भी किया, अपनी समस्याएं बताई होंगी, सब कुछ रखा होगा, लेकिन उसके बाद भी माननीय चीफ जस्टिस साहब ने 10,000 का फाइन भी किया है, जिससे कि अलर्ट रहें, अलर्ट मोड में रहें, आगे लापरवाही ना करें, ये भी हुआ है। खैर दोनों बातें हैं, हमें सब कुछ देखना है, हमें तो ये देखना है कि जरूर अगर वार्ता हुई होगी माननीय चीफ जस्टिस साहब की माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने जरूर कहा होगा कि भाई देखिए अनुदेशकों का मामला बहुत गंभीर है, 7,000 में कुछ नहीं होता, 17,000 हमारी हाईकोर्ट कर चुकी है और आप इसको कर दीजिए, नहीं तो हम कर देंगे, जरूर कहा होगा, ऐसी आशा हम रखते हैं अपने आदरणीय चीफ साहब। बड़ा साफ बात कह दी सिंह साहब ने कि कोई घबराने की और उसकी जरूरत नहीं है, हिम्मत और हौसला, इसके अलावा तुम्हारे पास बचा भी कुछ नहीं है, हिम्मत और हौसला ही आपको आगे ले जाएगा। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, और अनुदेशकों के मसीहा के रूप में आदरणीय एपी सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार और कोटि कोटि प्रणाम कि कल माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचकर अनुदेशकों की इज्जत को बचाने का अधिकार किया था, और अनुदेशकों की जो सर चल रहा है उसके बारे में सिर्फ एक ही दो पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि दिल में बबूले पड़ गए सीने की आग से, दिल में बबूले पड़ गए सीने की आग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो हम अनुदेशक साथियों से भी कहना चाहेंगे ये समय है एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का, क्योंकि आप एक ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं जो सरकार देना नहीं जानती है, ये सरकार लेना जानती है, छीनना जानती है, और ये सरकार के बारे में सियासी लोग हैं सर, इनके बारे में क्या कहना है सर, नदी के घाट पे यदि सियासी लोग बस जाए, ए प्यासे वोट एक एक बूंद पानी को तरस जाए, और गनीमत है कि मौसम पे इनका हुकूमत नहीं, वरना बादल के सारे पानी इनके खेतों को बरस जाए, इनके खेतों को बरस जाए। तो अनुदेशकों को तो सर सबने सर लूटने का कार्य किया, 10 वर्षों से अनुदेशकों को सिर्फ प्रताड़ित करने का कार्य किया, अत्याचार करने का कार्य किया, लूटने का कार्य किया। ये तो हमारी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय लखनऊ हाईकोर्ट है कि जिसके बल पे और माननीय एपीसीडी का जिस प्रकार से जिनके नेतृत्व में हम लोग केस लड़ रहे हैं, माननीय दुर्गा तिवारी जी का जिस प्रकार से सानिध्य प्राप्त है, तो हमें लगता है कि 27 जुलाई को जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर से बैठेगी तो उस दिन अनुदेशकों का फैसला आएगा, और उस दिन वास्तव में जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं कि सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है, और वास्तव में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, उस दिन 27 जुलाई को फैसला होगा जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में माननीय एपीसीडी पहुंचेंगे, और जिस प्रकार से आपके आने से अनुदेशकों के मुद्दे को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में बल मिला है, जो केस पहले टेकअप नहीं होता था, आपके आने से केस टेकअप भी नहीं होता है, बल्कि समय फिक्स होता है 11 बजे 12 बजे 12:30 बजे 1.5 घंटा 1.25 घंटा 2-2 घंटा सुनवाई होती है, इससे पहले कभी भी हमारा समय फिक्स नहीं होता था कि आज 12 बजे सुनवाई होगी तो आज 2 बजे सुनवाई होगी और 1.5 घंटा सुनवाई होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब यदि हुआ है तो माननीय एपीसीडी की देन है, और हम हृदय से बहुत आभारी है माननीय एपीसीडी का कि कल वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकर हमारे देशों की इज्जत को भी बचाने का कार्य किया, इसलिए 27,000 अनुदेशक परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा, सदैव आपके सम्मान में जहां भी हमको मन पड़ेगी सर, हम आपके सम्मान के लिए सर कटाना पसंद करेंगे लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अनुदेशकों के उस सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है, और कल जिस प्रकार से आपने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनुदेशकों के सम्मान को बचाने का कार्य किया, इसके लिए अनुदेशक समाज 27,000 अनुदेशक परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा सर, आपको सादर सादर प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद सर। जी सर, सिंह साहब अंतिम कमेंट आप पर सिर्फ एक ही है कि 10,000 वाला जुर्माना वो कन्फर्म है, दर्शक जानना चाहते हैं। हमें ओरल बोला था, अभी ऑर्डर मिला नहीं है, ऑर्डर दिखा नहीं है, ओरल जो बोला था हम तो विश्वास करते हैं साहब, हम तो अनेवल चीफ साहब का विश्वास करते हैं, जो वहां उन्होंने बोला 10,000 फाइन करो इन पर, डिले कर रहे हैं बस, ऑर्डर अभी आया नहीं, ऑर्डर में क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया ये अलग की बात। अब जैसे संगम नहाने आए थे सेक्रेटरी साहब ये आए थे वो सुना, वो हमने बोला, अब क्या ऑर्डर में आता है क्या नहीं आता है वो एक अलग बात है। सर ऑर्डर कब तक अपडेट होगा ये भी उनकी बात, उनका अपना काम है, उनका अपना राज है, अपना हाईकोर्ट है,
कभी भी हो जाए तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तब भी अच्छी बात है। हम तो हर बात में अच्छी बात ही कहेंगे ना साहब। हमने उससे जो बातें हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट का नमन करते हैं, ऐसे खड़े होकर झुकते करते हैं नमन। तो आदेश तो मानना है, आदेश पालन करने के लिए तो हम लोग बने हैं। अब वहां कोई वो तो है नहीं, कि हम तो अनुशासन में रहने वाले आज्ञाकारी वकीलों में से हैं। बस कोर्ट कहती है हम उसको मान लेते हैं, शिरोधार हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सब सुन लेते हैं हमें और खुश हो जाते हैं। हम नहीं खुश होते हैं तब भी ऊपर से खुश होने का दिखावा करते हैं, हम रोते हैं भी तो अंदर, हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती। और इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, लेकिन सड़कों पर तो उजाले हैं ही हैं, सड़कों पर तो उजाले हैं, सड़कों पर तो उजाले रखने पड़ता है, हमें क्या करें। रोने से भी तो कोई फायदा नहीं है, धैर्य रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें, आगे लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल सहयोग रखें, सफल जरूर होंगे। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, अगर राम उनके हैं तो राम है अपने भी, इसमें चिंता मत करिए। अगर कृष्ण उनके हैं तो कृष्ण है उनके। जन्माष्टमी वो मनाते तो मनाते हम भी हैं, अगर राम नवमी वो मनाते तो व्रत हम भी रखते हैं साहब, रखते सब बराबर की है टक्कर, इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। राम कृष्ण शिव काशी सब है अपने भी, 12 तीर्थ लिंग अगर माननीय मोदी जी वहां जाते हैं धाम पे, वो जो बैजनाथ धाम पे कल, तो गए हम भी हैं, हमने भी 12 ज्योतिर्लिंग खूब कर रखे हैं। अपनी भी भोले बाबा से बात होती रहती है अक्सर, ऐसी कोई बात नहीं, तार अपने भी जुड़े रहते हैं, इसलिए सब होगा, देखा जाएगा और क्या। चलिए भोले बाबा से भी प्रार्थना आप करिए, और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक आवाज पर कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई में जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल कवरेज न्यूज, मैं शिव कुमार मिश्रा आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और उन अनुदेशकों की तरफ से, उन ग्राम प्रहरी की तरफ से, उन विशिष्ट VTC VPN की तरफ से, सबकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, जो लाखों लोग उत्तर प्रदेश से आपकी ओर देखते हैं कि कोई व्यक्ति आया है वो न्याय जरूर दिलाएगा, लेकिन न्याय कब मिलेगा ये तो कोर्ट तय करता है। आप न्याय की स्पीड बढ़ा देते हो कि जल्दी दिलवाने का प्रयास करेंगे, बाकी तय तो सब किस्मत, वक्त और समय कराता है। आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ईपी सिंह साहब ने बड़ा साफ साफ शब्दों में बता दिया, जो आप हमसे कल से सवाल कर रहे थे कि 10,000 रुपया का उन्होंने ओरल बात की है, अब आर्डर आ जाए उसके बाद क्लियर होगी। अगर 10,000 रुपया का जुर्माना हो जाता तो ये बड़ी जीत होगी अनुदेशकों के लिए।